श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गणेश जी के विसर्जन के बारे में जानकारी दूंगी, कैसे विसर्जन करना है और क्या मुहूर्त है, कौन से दिन क्या क्या समय लग रहा है, सारे विसर्जन की तिथियां बताऊंगी मैं, कौन कौन से दिन विसर्जन होना है। जैसे कि आप 3 दिन का कर सकते हैं, 1.5 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का, 7 दिन का, और सारी तिथियां मैंने मुहूर्त सारे बता दूंगी मैं आपको, किस किस समय आपको मुहूर्त करना है, कहाँ कब शुभ रहेगा आपका विसर्जन का मुहूर्त। तो इससे पहले दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आगे वीडियो मिलती रहे। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि गणेश विसर्जन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लोग आज तक कुछ लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप गणेश विसर्जन करते हैं तो उनकी पूजा आपको विशेष रूप से करनी चाहिए, विशेष प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक स्वच्छ नया पटरा लेना है आपको, अगर घर में वो कर रहे हैं विसर्जन, और उसमें गंगा जल डालकर उसको शुद्ध कर लेना है और फिर उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। अपनी बाल्टी या कोई भी ऐसा चीज़ लेनी है जिसमें विसर्जन अच्छी तरह से हो जाए, पूरे डूब जाएं, इस तरह से लेना है। अब क्या करना है, जैसे कि आपने एक पटरा ले लिया, उस पर आपको एक वो मतलब गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। घर की स्त्री जो भी हो, कोई भी स्वास्तिक उस पर बनाना है, उस पर थोड़े से अक्षत रखने हैं और इस पर एक गुलाबी या पीला या लाल वस्त्र आपको बिछा लेना है। स्प्रे या फूलों की पत्तियों आपको बिखेर देनी है उस पटरे पे। साथ में पटरे के चारों कोने पर चार चार आपको सुपारी रखनी है, चारों कोने पर चार चार सुपारी रख दीजिए। अब श्री गणेश जी को उनके जय घोष के साथ गणपति पप्पा मोरिया स्थापना वाले स्थान से उठाइए और इस पट्टे पर आपको विराजित कर लेना है। पट्टे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल फूल वस्त्र दक्षिणा और 5 मोदक जरूर रखने हैं। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल गेहूं और पंचमेवा और दुर्वा की पोटली आपको बनाकर बांधनी है। यथाशक्ति दक्षिणा या सिक्के आप रख सकते हैं। नदी के किनारे विसर्जन से पहले कपूर की आरती संपन्न करनी है आपको। अगर घर में कर रहे हैं तो वहाँ पर आप घर में भी इस तरह से करेंगे, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है आपको। गणेश जी का जब विसर्जन आप कर रहे हो, उससे पहले आप अपने घर में चारों कोने में अपने घर के हर हिस्से में आप उन्हें ले जाइए कि इस हमारे घर में कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके कान में आपको मनोकामना बोलनी है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको खुशी खुशी गणेश जी का विसर्जन करना है और गणेश जी को विदाई के समय आपको कामना करनी है कि उन्हें हमें धन सुख शांति समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद दें, ठीक है। और 10 दिन अगर आप 10 दिन तक प्रार्थना 10 दिन तक पूजा कर रहे हैं तो उसकी भी मैंने अनंत चौदश की भी डाली है, किस समय विसर्जित करना है, सारे के सारे मैंने मुहूर्त डाले हैं, इस तरह से ज़रूर करिएगा दोस्तों। और जो गणेश जी की विदाई जब करें तो बहुत ही भक्ति भाव से हर्षोल्लास से गणपति बप्पा के मोरिये बप्पा के नारे लगाकर आपको करनी है। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर